वेलकम टू द सिटी भाई साहब। चलो भाई सवारियां चली हैं, अब एयरपोर्ट चेकआउट कर कर जा रहे हैं। और भी सरदार जी ऑल सेट एंड रेडी। लो बी वेल बिफोर द टाइम हैव अराइव्ड टू द टर्मिनल। तो भी अब एंटर जो है अंदर कर गए हैं एंड वाओ वेलकम हरजस वेलकम। ओए ओए भाई नज़ारे देख लो। भाई सब कुछ कर कर जो है अब चेक इन वगैरह कर कर सब कुछ प्रोसीजर कर कर इमिग्रेशन का सब कुछ कर कर आ गए हैं। एक जो है फंडा आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये जो बच्चा है ना इसका जो है रैंडम चेक हो गया वो भी इमिग्रेशन में। अर्जस कैसा लगा? अच्छा लगा भाई। फॉर अ सेकेंड हमें डर लगा था कि क्या चक्कर पड़ गया, इसका रैंडम चेक हो गया, बट स्टिल इट वॉज नॉर्मल। भाई इज लविंग दिस वन, पता मल्टीपल टाइम्स आ जा चुका है। भाई हमारा बंदा तो पूरा परेशान हुआ पड़ा है कि इतना वॉकिंग करना पड़ रहा है उसे। मीनवाइल एयरपोर्ट के नज़ारे देख लो भाई। हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है और काफ़ी जो है जल्दी आ चुके हैं तो हमें वेट भी अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी। चलो भाई वेंडिंग मशीन जो है चलानी सीखते हैं। क्या क्या है? अच्छा प्राइस है यहाँ पर वाटर का 10, कोका कोला 100 और इसमें जो है कैश डालना है। ओके लेट्स सी। 1 चेकआउट। भाई ये भी ऑनलाइन था। आए, आ गया। भाई हरजस क्या सेलेक्ट किया फिर तूने? हरजस ने शॉपिंग कर ली है खाने पीने की, है ना हरजस? चल आ जा मजेदार करके। क्या लेके आया फिर तू हरजस? दिखा 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 क्या खाने में लाया है। अरे ये क्या है बे? अरे खाओ जी खाओ। ये आई थिंक ब्रेड का सैंडविच कुछ स्टफिंग वगैरह है वेजिटेरियन में। जस्ट वो बता दे तेरा रैंडम जो टेस्ट हुआ था ना वो मुझे ले गए, मेरा नाम पूछा और मुझसे हेलो की और बताना था कि दिस इज माय फर्स्ट वेकेशन और बस ले आए। तो रैंडम चेक होता है इमिग्रेशन वालों का। आई डोंट नो बच्चे को उन्होंने क्यों कहा, रादर हमें जो है परमिशन थी उसके साथ जाने की। सो वी वेंट देयर विद हिम और जो है कुछ नहीं, बस उन्होंने जो है जैसे शक्ल देखनी होती है ना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि बच्चा रैंडमली उन्होंने चूज़ किया था। बट एक सेकंड के लिए वैसे मैंने पूरा क्वेरी पूछ ली थी सबसे कि क्या है, वो कहता है रैंडमली होता है जो भी होता है, बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मीनवाइल भाई मैं सरप्राइज से ज़्यादा ना शॉक हो गया। मतलब एक एक मिनट का काम हो रहा था, जैसे हम गए उन्होंने चेक किया पेपर्स वगैरह, आई थिंक 2-3 मिनट से ज़्यादा सबका नहीं लगा, चलो 5 मिनट पकड़ लो। फिर वो बैगेजेस वगैरह देने थे, बस उसमें जितना टाइम 2-3 मिनट हर मिनट के लिए, हर बैगेज के लिए 1-1 मिनट लगा, काम हो गया। इमिग्रेशन 2-3 मिनट से ज़्यादा तीनों का नहीं लगा। सो बेसिकली जो है सारा प्रोसेस कर करके, मतलब आई थिंक हम 12:30 बजे शुरू किए थे, 1:15 बजे जो है हम वेटिंग के लिए यहाँ पर आकर बैठ गए कि एयरपोर्ट पर जब चढ़ना है। हालाँकि मेरी फ़्लाइट बहुत अभी लेट है, 5 बजे जो है हमारी फ़्लाइट है, तो मे बी 4:30 जो है अंदर घुसने दे देंगे। बट आई वॉज शॉक, मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ, इतनी एफिशिएंसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब क्या निकाल दिया तूने? ये क्या दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। ओए ये क्या निकाला इसने? ओए ओए ये तो मेथी वाली रोटी लग रही है, ये क्या है? ओए ये मेथी वाली रोटी ले आया क्या तू? ये तो लूट लिया हमें इन्होंने जबरदस्ती, ये जो अच्छे खासे पैसों का है, ऐसा रैप तो हम घर पे भी बना लेते हैं। ओए इसे ऐसा पता लगेगा भाई, ये तो ऐसा लग रहा है मम्मी ने घर से पैक कर कर भेजा है। और भाई विश्वास करो वो पैकेट देख लो, ऐसा नहीं है कि हम, या तो इसकी मम्मी ने इसे दे तो नहीं दिया बेचने के लिए। हैं हरजस ये क्या लेकर आया यार तू? चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है मजेदार। शाबाश बेटा। ओ भाई ये तो टेस्ट भी डिट्टो घर वाली रोटी का है, घर वाली रोटी थोड़ी सी सॉस ज्यादा डालो, दैट्स इट। ये देख रहे हो
सारा जो है खाली दिख रहा है ना। अच्छा फिर प्लेन करता कि वेरी बिग। हाँ कैमरे में इतना नहीं पता लग रहा बट वेरी बिग प्लेन। हरजस वो हरजस आ फ्लाइट का पंख मुड़िया हुआ है। अरे मैं टूटा रहा प्लेन च नहीं है, टूटा रहा प्लेन है, मैं देख सकता हूं। ओहो देख सच्ची हरजस, ये तो कोई बहुत गंदी गल है। गंदी गल होगी ना, सब सब दे जुड़े हुए हैं, एक दा ही सब दे जुड़े हुए हैं, एक दा ही टूटे हुए। Come to the flight seat का भाई। Are you excited? Yes. और कितना excited? 10 crore 1 lakh million 100,000. ओ भाई ये आवाज़ें कैसे निकाल रहा है प्लेन? ऐसा आवाज़ ट्रेन वाली नहीं लग रही? लग रही है। Ah, what a view! वेलकम टू द सिटी भाई, सब जगह लाइटिंग लाइटिंग एंड ओनली लाइटिंग। लो भाई रूम में चेक इन कर दिया है, रूम दिखाता हूँ मैं आपको। अरे वैसे हम रूम में ऑलरेडी आ चुके हैं, उससे पहले जो है रूम देख लो, रूम के मैंने कहा दर्शन करवा दूँ। ये बाथरूम है अभी ऑक्यूपाइड है, ये जो है हमारा छोटा सा रूम है। इस रूम की सबसे खास बात दिखाऊँ क्या होने वाली है, हट जाओ भाई। इस रूम की सबसे खास बात होने वाली है ये वाली मतलब ये वाली। बाकी के नज़ारे भाई सुबह दिखाऊंगा, बुर्ज खलीफा का व्यू यही तो चाहिए था। बाकी रूम में इतना ही था, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम, मैंने थोड़ी सी लग्जरी एक्सपेक्ट की थी बट कोई बात नहीं, जैसा है बढ़िया है। और बाथरूम कैसा है? ओए शैंक, ओहो गुड वन, डिसेंट। ओए बाथ टब भी है हरजस, बाथ टब है भाई। एक खासियत है इसे, ऐसे नाम याद रहते हैं, मुझे रत्ती भर याद नहीं रहता जगह का नाम। इस जगह के भी नाम मैं जो है मोर ऑर लेस भूल जाऊंगा बट इसे याद रहते हैं, गुड वन। ओ भाई होटल की स्पीड देख लो, क्या बात है, मजा आ गया। अरे दोबारा से एक बार और भाई साहब, होटल की स्पीड का, होटल के वाईफाई की, ओए 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 भाग ले भाई। दुबई मस्त निकला यार, फ्री के वाईफाई में, वो भी होटल में, ये स्पीड क्या बात है भाई। खाना यहीं से ऑर्डर कर लिया था, बहुत भूख लगी है। ये है दाल, ये है इनकी पनीर की सब्जी, और ये जो है ये नान और रोटी। टेस्ट कैसा है मैडम? टेस्ट गुड। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूख लगी हुई थी और इसलिए बस जैसा अभी खा लिया, प्लेट्स अभी आई भी नहीं है बट हमने शुरू कर दी है। चलो भाई खाना तो जो है समाप्त कर दिया है, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वही दाल हो गई, या मतलब दाल होगी, सब्जी होगी और रोटियां होगी। मैंने कल को आपको होटल के एक रेट्स बताए थे है ना, ये मतलब वो इंडिया के रेट्स थे, ये दुबई के रेट्स बताने लगा हूँ अभी मैं। ये सब कुछ, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है, रोटियाँ। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ 4-5-6 जो है
या इससे ज़्यादा ही आई हैं, उसके बाद जो है आई थिंक उसके बाद एक्स्ट्रा भी आई हैं, और वो सारी मतलब लगभग 5-6 रोटियां और प्लस ये दाल सब्जी एंड ऑल दैट, ये सब कुछ मिलाकर 1500 के नीचे जो है खर्चा हुआ है टोटल। मतलब रोटी हो गई, सब्जियां हो गई एंड ऑल दैट, कल को एक एक डिश इतने की थी। तो दुबई वर्सेस इंडिया, भाई दुबई ज्यादा सस्ता निकला इंडिया के मुकाबले। और आज का दिन मोर ऑर लेस खत्म कर रहे हैं, इस व्यू के साथ। ये व्यू आप देख लो, बाकी कल को जो है दिन में व्यू दिखाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जो है जरूर चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी स्ट्रिप में जो है ये अभी शुरुआत है।